example, what we will going to do? We will going to do the following. Okay, for example, आप चाहे तो एक function बना सकते हैं, एक इस black box को C++ में function कहते हैं. ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस function का अपना एक नाम हो. For example, मैं तुम्हें एक और एक function सिंपल सा बना कर दिखाता हूँ, जिसका नाम है adder. ये क्या करता है? आपके ख्याल में एडर को क्या करना चाहिए? एडिशन करनी चाहिए. ये क्या पैरामीटर लेगा? ये दो नंबर लेगा एज ए पैरामीटर. इसको मैं कहता हूं नंबर वन, नंबर टू. और ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा इन दोनों का सम. ये रिटर्न करेगा सम, जो कि एसेंशियली क्या होगा? एन वन प्लस एन टू. ये बात समझ आई? ठीक है. अब इसी एडर को मैं रिप्लेस करते खुद खुद की जगह मैं कोई और चीज बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये बड़ा सिंपल एक लाइन का फंक्शन बनता है ना, प्रोग्राम बनता है. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक और फंक्शन बताता हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट निकालना आसान काम नहीं है. अगर आपने अपनी वो तीसरी चौथी वाली क्लास में पढ़ा हो तो वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 169 का निकालना है तो कैसे निकलता? वन वन निकलता था और वन हो जाता था. अरे पहले पेयर बना, अब फिर क्या होता है? ये वन आंसर आया, ये जीरो हो गया, ये सिक्स आया, ये वन और वन टू हो जाता है. और फिर हम ऐसा लेते हैं कि ये और ये सेम, तो थ्री थ्री द सिक्स हो जाता है. ठीक है. और ये अगर आपको याद हो कि हमने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के साथ किए. ठीक है. अच्छा, ये अब अभी तो मैं छोटे ये एडर बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था. अब स्क्वायर रूट इस तरह का एक प्रोग्राम है जो के लिखा हुआ. अच्छा, the good thing about this function is this black box is ke imagine karo ye tumne itna complicated code likha hai, bahut complicated code hoga, ye koi kuch ja shayad 50 ml ka code. ab tumhe square root 1000 jagah par chahiye, kiska bhi square root lena hai, iska bhi square root lena hai, iska bhi square root lena hai. the great thing will be ke main is black box ko ek line mein call karunga, ek line mein kahunga ye square root call ho jaye. ab ek line mein pura ka pura जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली एग्जीक्यूटर और सी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आंसर रिप्लेस हो जाएगा. आपका पी जो जो लाइन जो 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 कोड है वो जो फॉर एग्जांपल 10 दफा आपने कॉल करा था तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 की जगह सिर्फ 10 लाइनों में रिप्लेस हो जाएगा. तो वही जो कोड जो आप कह रहे हैं हमारा 600 लाइनों का कोड बना था वो सिर्फ 20 लाइनों का कोड. ठीक है. तो वो इतनी पावरफुल चीज होगी जिसको हम फंक्शन. ठीक है. आगे अगली क्लास में हम ये सारे के प्रोग्राम्स हैं उनको हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो वो ट्रांजिशन बड़ी ही सिंपल और बड़ी खूबसूरत होगी. आपको बड़ी ये चीज़ एंड यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी. ये जो प्रोग्राम है जो तुमने कहा ना कि हमने एक नंबर के लिए किया है, वो ये हम कहेंगे ना तीन नंबर के लिए करो तो वो सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी. वो बहुत सिंपल. ठीक हो गया. चले जी, हम आगे चलते हैं. I'm going to go to the next one.
65, ठीक है। इसी तरह अगर मैं
बी लिखो तो बी की क्या वैल्यू आती है, 66 वैल्यू आती है। इसी तरह अगर मैं चलाऊं तो सी की क्या वैल्यू आएगी, 67 वैल्यू आती है। इसी तरह अगर जेड को देखो तो जेड की कितनी वैल्यू आती है, 90 वैल्यू आती है। ये सारी वैल्यू सीक्वेंस से आती है। तो कैपिटल कैपिटल ए की वैल्यू है 65 और 26 लेटर होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली सी की जी की वैल्यू कितनी होगी, 90। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, अब मैं तुम्हें बड़ा मजेदार बोलिए प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या था? हमने कोई की प्रेस कर ली है और उसने की में बताना है कि ये कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई सी एच एंटर किया और मैंने वो बताना है कि ये सी एच कैपिटल लेटर है या नहीं है, तो कैसे बता देगा? आस्की आप बताओ क्या? 65 से अबव नहीं, अबव भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो ए भी तो एक लेटर है ना। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें एक तरीका क्या था, पिछली क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था कि हमें शायद 26 इफ लगाने पड़ेंगे कि वो ए हो, कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो या कैपिटल सी हो, तो हमें 26 और लगाने पड़ेंगे जो भी इसने एंटर किया है वो इनमें से। एक तरीका ये था, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है, तो गलत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो इससे बेहतर है कि हमें पता है कि इसकी रेंज इतनी है, तो हम क्या करते हैं उसकी रेंज चेक कर लेते हैं कि वो 65 के इक्वल या ग्रेटर हो और 90 से लेस देन या इक्वल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम एसेंशियली क्या करेंगे, लुक एट दिस। ऐसी तरह हम एक और चीज चेक करते हैं, हमें पता लग गया है जो z है वो कितना आता है, वो 90। इसी तरह हम दूसरा चेक करते हैं, इसी तरह अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं अगर जो इनपुट करवाऊँ फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए कितना है, 97। तो स्मॉल ए कितना होता है, 97। इसी तरह स्मॉल बी चेक करते हैं, स्मॉल बी कितना है, 98। इसी तरह बिल्कुल आगे जाए और स्मॉल सी कितना है, 99। स्मॉल डी कितना है, 100। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, और जी कितना है, 120। ठीक है, तो स्मॉल जी कितना हो गया, 120। अच्छा जी, अच्छा एक और बात बताओ, ये देखिए इसी तरह और भी ये कीबोर्ड पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, है ना। मैं अभी आपको इक्वल टू की भी आस्की वैल्यू दिखा, इक्वल टू की वैल्यू है 61। इसी तरह अगर हम देखो तो क्वेश्चन मार्क की आस्की वैल्यू है 63। इसी तरह अगर हम देखो तो हाइफन की वैल्यू है 45। इस तरह आपके कीबोर्ड के तकरीबन हर एक जो की होती है उसका कोई ना कोई सिंबल होता है, सॉरी 49 होता है। जीरो का मतलब होता है एक्चुअली 48, कैरेक्टर जीरो। इसी तरह कैरेक्टर वन जो होता है वो 49 होता है। ठीक है, क्या फंक्शन की ठीक है, ये
कैरेक्टर को लिखने के लिए आपको सिंगल कोट में ये लिखना पड़ता है। इस तरह इंटीजर को लिखने के लिए आप डायरेक्टली 1, 2, 3 लिख सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो होती है, जो मैसेज होता है, उसको डबल कोट में लिखते हैं। इस तरह जब कैरेक्टर होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वहां पे यू कैन एक्चुअली सी कि जब मैंने इसको डिबग मोड में चलाया था और ये जब मैंने लेट्स से जी एंटर किया था, ये देखिए नजर क्या आ रहा है, ये मैं करता हूँ, ये देखिए क्या नजर आ रहा है, ये 71 की बात कर रहा है, ये जी एंटर आ रहा है, लेकिन दोनों सिंगल कोट में लिखा हुआ है। तो जो भी आपका कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट के अंदर लिखा, तो अगर आप जिस कैरेक्टर को वैल्यू भी असाइन करेंगे तो सिंगल कोट में असाइन करेंगे। समझ जाएगा, यानी अगर आप अगर ये देखिए ना सी एच इक्वल टू जी, एक मिनट, अगर आप देखिए ना सी एच इक्वल टू जी तो ये कहेगा यहां पर एरर है, और एरर क्या है, वो कहेगा जी इज एन अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। जी बोल सकता है जी आपका कोई वेरिएबल है, हालांकि आपने वेरिएबल असाइन नहीं किया। अगर आप उसको कोई वैल्यू कैरेक्टर असाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिंगल कोट में असाइन करेंगे। बस बाय द वे एक बात बताओ, ये अगर मैं ये सी एच में जी लिखता हूँ और मैं सी आउट करता हूँ सी एच, क्या आउटपुट होगा, जी। व्हाट अबाउट सी एच प्लस वन, व्हाट अबाउट प्लस टू, व्हाट अबाउट प्लस फाइव, एच आई जी के एल, बस जी What about minus one? You was right? जी। Well, बस ये हो गया। ये for example, मैं यहाँ पर एक number लिखता हूँ। एक बार ये जो मैंने किया था, इसकी जगह मैं ASCII को value सेंड करता हूँ 65। और CH को ये मैंने सी लगा दी और सी एच को वैल्यू असाइन कर दी मैंने आस्क में, तो सी एच में एक्चुअली क्या वैल्यू आ जाएगी, ए, बिल्कुल ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, ये मैंने आस्क की एक इंटीजर बनाया जिसको वैल्यू असाइन कर दी और मैंने इस कैरेक्टर को आस्क की असाइन कर दिया 65 वैल्यू 80 किसकी होगी, तो सी एच में क्या लगेगी यार, यार एक बात सुने वो ये कि जी मैं आपको जल्दी से शुरू करूँ, हेलो बासु यार बासु ना प्लीज, चलिए सर प्लीज यार, ये जो ये देखो यार पहले बाप लेकर यार बाप लेकर अच्छा एक दो अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि कल आपकी 2:40 की क्लास है, 2:40 की क्लास, 2:40 से वही ये भी बिल्कुल ठीक है, और उसमें एसेंशियली हमने यही असाइनमेंट कंप्लीट है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये असाइनमेंट आप मिल जाएगी ट्यूजडे को, ये असाइनमेंट दिए अगर आपने आना है तो आए, नहीं आना ठीक है। सुबह आ सकते हो, सुबह 9:40 पे आ सकते हो, 9:40 पर हाँ ठीक है।
ये है कि या तो फिर अपना लैपटॉप लेके आना और चार्ज हो, क्योंकि अगर आप आएंगे तो वो 301 में क्लास है, CL 301 टॉप फ्लोर, द थर्ड फ्लोर है, उसमें सबसे एंड में सेट हाँ दो चार्ज, ठीक है। अच्छा सीन ये कि अच्छा आपकी एक तो कम क्लास है, दूसरी बात ये कि अच्छा उसमें असाइनमेंट मोस्ट ऑफ हमारा प्लान ये है कि हम ये असाइनमेंट जो है वो कम्प्लीट करें, ठीक है। हमने आज चार प्रॉब्लम किए और बाकी प्रॉब्लम आई वुड अच्छा ये बात सुन प्लीज दीजिए, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अच्छा इसमें जो ये भी फंक्शन वगैरह की बात हो रही हो ना उसको ये समझो कि मैं कह रहा हूँ कि तुमने एक प्रोग्राम बनाया और इसकी जो इनपुट है और आउटपुट है इसको बस ध्यान से सुनो, ठीक है। वो सवाल क्या कहना क्या, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं शायद 5 मिनट लगाकर मैं बता भी दूँ कि पहला सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, ठीक है। अच्छा आप प्लीज़ आप लोगों ने जाकर आज घर जो काम करने हैं वो थोड़ा और सुनो, कल जब आप क्लास में आए तो उसके बगैर आएंगे तो 2 बजे का टाइम ज़रा और हमारा भी लगता है। तो आपके आपने वो क्या करना चाहिए, आपको पहली बात तो ये कि जो भी 4 सवाल हमने किए हैं यहाँ पर वो आपको कंप्लीट करने चाहिए, दोबारा से करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो पहला लेक्चर हुआ था उसका भी प्रोग्राम मैंने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो वहाँ मैंने ऑनलाइन रखा था, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने पहला लेक्चर जो है उसके सारे जो मैंने छोटे छोटे चेंजेस करके 20 प्रोग्राम लिखे थे वो मैंने सारे वहाँ पर लिखे थे, वो आपको पहले वो देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी भी बड़े छोटे छोटे मसले आ रहे हैं, सी इनका सी बड़ा लिखा है, उससे पता लगता है कि उन्होंने कल वाला जो लास्ट क्लास हुई थी उसका प्रोग्राम दोबारा करने में प्रैक्टिस नहीं की। तो प्लीज़ पहले वो प्रैक्टिस करें, फिर ये 4 प्रॉब्लम करें, फिर प्लीज़ ये जो 15 प्रॉब्लम है, एक्चुअली 14 प्रॉब्लम है, ये आप हर एक का वर्कआउट करके लाएँ कि ये आप मैथमेटिकली एटलीस्ट एल्गोरिथमिकली करेंगे कैसे, ठीक है। ये हर प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि एक 3 पॉइंट्स दिए हुए बताएं ये डायगोनल ट्रायंगल है या नहीं, ये कैसे फिगर आउट है, ठीक है। ये सारे के सारे जो 4 सवाल ये जो 14 सवाल हैं ये प्लीज़ प्रैक्टिस करके एटलीस्ट थेरेटिकली आप कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो तो आप क्लास में देख लेंगे, लेकिन थेरेटिकली आप उसको करेंगे कैसे, तो आपको आपको अगर यही इनपुट और आउटपुट दी जाए तो आप कैसे उसका उसका वर्कआउट, ठीक है जी। अच्छा जी एक अगली बात, क्लास है तो डिस्कशन होगी सैटरडे को आपकी पहली एवेल्युएशन जिसमें हम स्क्रैच और असाइनमेंट नंबर 1 जो आपकी 3 प्रॉब्लम है वाली वो आप हम करेंगे, तो उसकी मैं टाइम टेबल कर दिया कल क्लास के, ठीक है। बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात, एक बैठ मैंने एक बात सुनो यार, एक छोटी सी चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने अभी कुछ प्रोग्राम बनाया या आप अगर अपने आप को ईमेल करना चाहें तो आपको ईमेल कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वैसे गूगल डॉक्यूमेंट जीमेल अलाउ नहीं करता। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको अपने आप को ईमेल करना चाहिए। अच्छा ईमेल करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल मैं बंद कर रहा हूँ उसको, पहले तो आप एक फोल्डर बनाए जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बनाया है इसका मैंने नाम रखा सरप्राइज असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल यही तरीका फॉलो होगा जब आप असाइनमेंट 20 LMS पर सबमिट करवा, ठीक है। अच्छा जी आपको क्या करना चाहिए, ये और सुन रहे हैं, ये आपकी अभी जो असाइनमेंट है अगर आपने इसका सबमिशन ना करवाएगी तो हम आपकी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज और सुन लें। आपने ये फोल्डर बनाना है इसमें जिसका नाम होना चाहिए आपका रोल नंबर डैश फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट नंबर 1 है तो A1, असाइनमेंट नंबर 2 है तो A2 और समथिंग, ठीक है जी। इस तरह मैंने ये सरप्राइज लिखा हुआ है इसमें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 4 प्रॉब्लम बनाए थे, प्रॉब्लम 1 था, प्रॉब्लम 2 था, प्रॉब्लम 3 था। बेहतर ये होगा कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 15 प्रॉब्लम है तो उसका नाम होना चाहिए प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1 के प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, प्रॉब्लम 2 प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, प्रॉब्लम 3 इस तरह से। अगर उसके सब पार्ट्स हैं तो प्रॉब्लम 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 तक, ठीक है। तो ये आपका फोल्डर हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपका प्रोजेक्ट था इसको मैंने बिल्ड किया,
ये बिल्ड किया, ये मैंने इसे रन किया, ठीक है। अगर जब आपका प्रोजेक्ट होगा, आपका फोल्डर होगा, ये फर्स्ट प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये सारी फाइलें बनी होती है। इसमें आपको याद है बेल का फोल्डर था और ओबीजे का फोल्डर था, और इस तरह से ये दो और अलग अलग ये फाइलें। इसमें से जो ये राइट ये बहुत सुन ले प्लीज, ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पी, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम थ्री, जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनमें सबसे आपने हर एक प्रॉब्लम वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, ठीक है। आपने एक्चुअली अगर आपके असाइनमेंट के अंदर 15 सवाल है तो हर सवाल का एक प्रोजेक्ट बने, ठीक है। फिलहाल बाद में शायद ये श्रिंक करके हम उसको वन कर लेंगे, लेकिन आपने करना क्या है, आपने जितना भी काम करने के बाद जब फाइनल हो जाए तो आपने ये बिन फोल्डर और ओबीजे फोल्डर, बिन फोल्डर और ओबीजे फोल्डर, ये दोनों फोल्डर सबसे पहले डिलीट करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईएक्सई फाइल होती है, जो आपकी जब आप बिल्ड करते हैं तो वो बनती है। आपको बताया था ना मैंने, तो बाहर की फाइल बनती है। ये फाइल आपको कभी भी गूगल मेल नहीं कर मिलता, ये उनके पास समझता है कि इसके अंदर वायरस है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को वो ईमेल करना अलाउ नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो दो फाइलें बनेंगे, डॉट डिपेंड फाइल और डॉट लेआउट फाइल, बेशक इसको डिलीट कर, तो ये सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट फाइल रह जाएगी, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरी जो फाइल रह जाएगी वो इसकी मेन डॉट सीपीपी फाइल होगी। बी केयरफुल, ये जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है ना, ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये डिलीट हो जाएगी तो फिर आप भी डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन काम है, ठीक है। तो प्लीज ये डिलीट मत कीजिएगा, ये जो मेन डॉट सीपीपी आपकी मेन फाइल है, सारा कोड जो पड़ा होता है वो इसी फाइल के अंदर पड़ा होता है, आप एक्चुअली देख भी सकते हैं, ये देखिए आपका सारा सारा कोड जो फाइल था वो इसके अंदर, ठीक है। आपने सारे प्रोजेक्ट्स में से, ये देखें सारे प्रोजेक्ट में सिर्फ ये दो फाइलें रहने देती है, ठीक है, सिर्फ ये दो फाइलें रहने दी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट को के सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाकर या सेंड टू कंप्रेस करना है, ठीक है। इसका जो भी नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ सर्राज ए वन, ठीक है, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल बन गई। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ओपन करूँ, इसके अंदर यही चार फोल्डर बन, ठीक है। आप ये वाली जो zip फाइल बनी है, ये फाइल आप अपने आप को ईमेल, फॉर एग्जांपल जाता हूँ ईमेल पे, यहाँ जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये फाइल मैंने अपने आपको ईमेल की और ये फाइल मुझे, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अगर आप इस पे ये अगर वो बिन और ओबीजे का फोल्डर नहीं बनाएंगे तो ये एरर आ जाएगा कि यार ये फाइल में अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी केयरफुल, आपको आप जब भी अपने आप को ईमेल कर रहे हैं उसके अंदर जो फाइल हमें चाहिए वो फिर बोलता नहीं है, ¿Qué es lo que pasa?
ठीक है।